आपसे सारी चीज मिल जाएगी। तो जितना आप हमने पढ़ाया है वो चैप्टर आपकी यूपीएससी की नीट 100% पूरी कर और आने वाले सालों में भी पूरी करेगा, उसमें कोई डर नहीं। अब लेकिन जो आगे की चीजें हैं वो करंट अफेयर्स के साथ जुड़कर होंगी, तो वहां पर थोड़ा सा आपको भी तेज चलना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखो, क्लास तभी मोमेंटम पकड़ती है जब जिस वेग से दोनों चलना चाहे, बढ़ाने वाला भी और पढ़ने वाला भी। कई बार जब आपको लगे स्पीड ज्यादा है तो शिकायत करने की जगह स्पीड को पकड़ने की कोशिश करो, और जब हमें लग जाए कि हम खुद ज्यादा तेज चल रहे हैं तो मैं आपके साथ धीरे होने की कोशिश करूँ। तो मुझे लगता है इस बैच के साथ हमारा मोमेंटम क्या है सेट है। और मेरे फील्ड से कोई कभी सम्मेलन शुरू होता है तो शुरू में बहुत होते हैं फिर धीरे धीरे छड़ जाते हैं, असली इतने ही हो जितने यहाँ पे है ना। और तुम लोग अगर कंटिन्यूटी बना ले पाओगे, निरंतरता बना ले पाओगे, यकीन मानो मुझे लगता है कि सीट तो देखो निश्चित नहीं यूपीएससी प्रशासक बन जाओगे इतना करें निरंतरता और मेहनत, किसी और आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। और याद रखना, ज्यादा किसी टॉपर का इंटरव्यू मत पढ़ना। मैं तुमको इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि तुम इंटरव्यू पढ़ो, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ तुम इंटरव्यू दो। जिनके कायदा की कसौटी में मैं खड़ा नहीं उतरा हूँ, तो अगली बार मैं और तैयारी के साथ आऊंगा और रट के आऊंगा, जिससे आपको मुझसे शिकायत का कोई मतलब मौका नहीं मिले। लेकिन याद रखना, मैंने जितना पढ़ा दिया है तो कश्मीर से लद्दाख से कन्याकुमारी जाओ कि मोती से गुहार मोती जाओ, इतना कोई तुम्हें उस चैप्टर में नहीं पढ़ा के देगा। और जो बाकी बचा है वो ही इतना पढ़ा दूंगा कि उससे अच्छा भूगोल में तुम्हें कोई और नहीं पढ़ा सकता। तुम्हारे बहस से तुम्हें अंदाजा हो गया है कि तुमसे अच्छा कोई पढ़ भी नहीं सकता। छह तारीख से आपकी आई आर की क्लास स्टार्ट होगी है ना। तो 6 तारीख से आपकी आई आर की क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। थैंक यू। बराबर थोड़ा।